हे गाइस, वेलकम टू ऑल टेक अपडेट्स चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ Y83 Pro की, जो वीवो का है। वीवो का Y83 Pro बहुत पहले आ चुका था, लेकिन मैं इसकी अनबॉक्सिंग इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप मार्केट से इस फ़ोन को परचेस करना चाहते हो तो आप इस फ़ोन को देख सको और इसके स्पेसिफिकेशन को जान सको, क्योंकि वीवो में अभी जो है 15,000 की रेंज में यही एक ऐसा फ़ोन है जो आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये फ़ोन का लुक कुछ इस तरीके से है। ये नॉच डिस्प्ले वाला फ़ोन है। डिस्प्ले की अगर मतलब साइज़ बताऊं तो आपको ये 6.2 इंच के साइज़ पे है और नॉच डिस्प्ले है। इसके एसेसरीज़ में आपको चार्जर और डेटा केबल मिल जाता है, मतलब एयरफोन नहीं आता है, सिर्फ चार्जर और डेटा केबल आता है। तो चलिए इसके कुछ स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये नॉच डिस्प्ले वाला फ़ोन है, मतलब 15,000 के रेंज में नॉच डिस्प्ले का फ़ोन है। बहुत ही अच्छा लुक है इसका, अट्रैक्टिव है, पीछे ग्लास फिनिशिंग है। ठीक है, कैमरा क्वालिटी परफेक्ट है और ये फ़ोन जो है ये डुअल कैमरे पे है। तो सबसे पहले स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो ये 6.2 इंच डिस्प्ले वाला फोन है। अगर इसके मतलब रैम और रोम की बात करें तो इसमें आपको जो मिलती है रैम, वो मिलती है 4 GB की और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज है। साथ में आप मेमोरी को भी एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि ये जो है फ़ोन हाइब्रिड नहीं है, मतलब इसमें आप अलग से मेमोरी लगा सकते हो। उसके बाद से मैं अगर इसके एंड्रॉयड ओएस की बात करूँ तो इसमें जो आपको एंड्रॉयड ओएस मिल रहा है वो मिल रहा है 8.1 ओरियो, मतलब ओरियो एंड्रॉयड ओएस है तो बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ आपको इसमें फ्रंट टच ओएस भी अपडेट बिल्कुल मिल रहा है और इसकी साउंड क्वालिटी वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलिए इसके कैमरे की बात कर लेते हैं। तो इसका जो रियर कैमरा है, मतलब कि बैक का जो कैमरा है, वो 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा है। मतलब कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सारे मोड्स भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि पोर्ट्रेट मोड्स, जिसमें आप बैकग्राउंड्स वगैरह को ब्लर कर सकते हो। हाँ, साथ में आप जैसे बहुत सारी अच्छी फोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर सकते हो। तो ये डुअल कैमरे वाला फ़ोन है, ग्लास फिनिशिंग के साथ है, बहुत ही परफेक्ट है। अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा आपको इसमें मिलता है 8 मेगापिक्सल का। 8 मेगापिक्सल है तो वो भी फ्रंट की सेल्फी लेने के लिए भी ये फ़ोन बेस्ट होगा। तो ये तो होगा इसके कैमरे की बात। अब अगर इसके बैटरी की बात करें तो इसमें आपको मिलती है 3260 mAh की बैटरी, मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है। आपको बैटरी बैकअप इसका अच्छा मिलेगा, जैसे कि आपको गेमिंग वेमिंग का एक्सपीरियंस लेना हो या फिर वीडियो वगैरह देखना हो तो नॉच डिस्प्ले के साथ साथ आपको बैटरी बैकअप भी इसका परफेक्ट मिल रहा है। अगर इसके साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसमें को साउंड क्वालिटी मतलब कोई ऐसा साउंड नहीं दिया, लेकिन नॉर्मल साउंड पे भी बहुत अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेगा ये फ़ोन। तो ओवरऑल ये फ़ोन बेस्ट। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच।